हाय आ गई कमरानी मरियम। हाय क्यों कमो, आज सबको टिफिन पहुंचा कर आने में बहुत देर कर दी। अपने चिकने चेहरे पर पाउडर, होठों पे लाली और आंखों में कजरा, 16 सिंगार करने में टाइम तो लग ही जाता है ना। परे हट गंदे थोपड़े के। हाय हाय, अरे कमो रानी, क्या खराबी हमारे थोपड़े में? हटा छड़ी। न हटाऊं तो अबे शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? जानता है मैं कौन हूँ जग्गू दादा? अरे रामू कालू मेरी छुरी तो ला। लाओ भैया एक पहली चाय देना। कमीना, '96, '97, '98, '99। माफ करना साहब, माफ गलती नहीं होगी। माफ करना साहब, गलती हो गई तुम्हारी। सलाम हौलदार साहब। सलाम, क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हाँ, वो रिक्शा है ना, रिक्शा उसके सीट के नीचे। वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, वो बेच रहा है, पकड़ लो उसे जल्दी जल्दी। रिक्शा क्यों बे, खोल ऐसे। हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो। अरे खोल ऐसे, खोलो। सरदार साहिब, इसमें और क्या होना है, इसमें तो हमारा खजाना है। चलो ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है, ये खाने की थाली है, ये गिलास है, और ये हमारे ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेचता हूँ पुलिस स्टेशन। अरे मेरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे देखती हूँ। अरे पूछ इस कल मुहे से कौन हूँ मैं। 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के देखे फेरे लगवा रहा है। क्या बकवास कर रही हो कमो? अरे चुप हवलदार साहब, 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, चौथा बुखार में तड़प रहा है, और पांचवा होने को तड़प रहा है, और ये 6 दिन से गायब है ना जाने किस बंदरिया के साथ। जरा अपना डंडा तो देना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। हवलदार साहब, चोट तो नहीं आई? ये लीजिए डंडा। अरे वो कम्बक रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारा गर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिया देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी, ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमत्कार लगने लगेंगे। क्या बक्के हो? अरे हवलदार साहब, अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? कि उसे 2 अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियाँ का दिल बहलाए, उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं। जब देखो पैसा पैसा, 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतन पर लुटाता है और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है? ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे ये नाजायज दारू,
अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती तो ये कब का लखपति ना बन गया होता, और मैं मोटरों में घूमती मोटरों में। अरे ये दारू नहीं पानी है, पानी जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था, अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। ए, चलो क्या क्या नशा बना रखा है, चलो चलो आपकी जान चलो। अरे बड़ी गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खिला दो ना ठंडी ठंडी। आइसक्रीम? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पानी की बोतल हमारी रिक्शा में कहाँ से आई? अरे गोबर गणेश, ये पानी नहीं दारू है। दारू? दारू? हाँ उस जग्गू के बच्चे है ना, तुमको फंसाने के लिए चाल चली थी। हाँ? और मैं सब कुछ दूर से देख रही थी। तू पूरा दारू पी गई? हाँ। अरे तुम्हारी खातिर तो दारू तो क्या, जहर भी होता तो भी पी जाती। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो ना। अच्छे लगते हैं ना। आइसक्रीम खिलाओ ना। आइसक्रीम? सॉरी पिंकी स्वीटहार्ट, देर हो गई, आओ कार में बैठ जाओ। इतनी देर क्यों कर दी? आई एम सो सॉरी डार्लिंग। अब चलो। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना, कम ऑन। कुछ देखा तुमने? कैसे सर करते हुए लड़का आया और फुर से उड़ा ले गया लड़की को गाड़ी में। और वो लड़की भी कैसे तड़प रही थी उससे मिलने के लिए। बेचारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर उसे पढ़ाते होंगे, लेकिन ये लड़की। इसमें कसूर सिर्फ लड़की का ही नहीं माँ बाप का भी है। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? जहाँ रोज जाती हूँ, कॉलेज। वो तो हमें मालूम है, लेकिन इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? मैं अपनी दोस्त के घर से आ रही हूँ। अपनी दोस्त या अपना दोस्त? और वो दोस्त अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें घर पर छोड़ने भी आओगा? हाँ? जब तुम सब कुछ जानते हो तो पूछते क्यों हो? कुंवारी लड़की होकर एक गैर मत कथा घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मामा, 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 वो लोग आ गए मुझे तुमसे अलग करने के लिए, दूर ले जाने के लिए। मामा मत रो बेटा, मत रो। तुम्हारे मामा से तुमको कोई दूर नहीं ले जा सकता। हा? जब हम नहीं भी होंगे ना, तो भी हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, हमेशा। चलो पिताजी को प्रणाम करो। हा? चलो। बैठी पिंकी। जी मामा। तुझे तुझे दहेज में देने के लिए तेरे मामा के पास कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो मामा? तुमने तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी दहेज में दे दी। फिर भी कुछ न कुछ। देख, इसे हमारी निशानी समझकर
अपने पास रख लेना। ये प्यार का सबसे वफादार जानवर है, चाहे चाहे बीमार पड़ा हो, मर रहा हो, फिर भी अपने मालिक की आवाज सुनकर अपनी वफादारी जरूर दिखाता है। मामा, बाबू, ये नए कपड़े तुम्हारे लिए हैं। मंदिर में भगवान को चाहे 5 लाख की भेंट चढ़ाएं या 5 पैसे के फूल, भावना वही होती है। तुम्हारे जैसे नर नारायण को मैं इतनी ही भेंट दे सकती हूँ। लो, इन्हें पहन लो, इन्हें पहन लो बाबू, इन्हें पहन लो। हाँ हाँ, पहन लेंगे, पहन लेंगे। हाँ। चलिए भाभी। मामा, मामा, इसे मैं उठा लेती हूँ। नहीं बेटे, नहीं, आज के बाद कहाँ कुछ उठाने वाले हैं। हाँ, जो आज तक उठाते रहे उसे तो किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं। हाँ पिंकी बेटे, उठाने दो, आखिरी बार अपनी बेटी के लिए। हाँ